नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज। आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं यूरोका फोप्स के एनबीआर को कैसे आप अपग्रेड करते हैं। अगर आप यूरोका फोप्स के एनबीआर में पीटीक्यू कैमरा को इंस्टॉल करते हैं तो आपको एनबीआर को अपग्रेड करना होगा। प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब पीटीक्यू कैमरा को कनेक्ट करेंगे अपने एनबीआर में तो ऑफलाइन हो जाएगा बार बार, तो उसके लिए हमें एनबीआर को अपग्रेड करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पेज हमारा खुल गया है, इसको हम लॉगिन कर लेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो गया हमारा ये एनबीआर। तो यहाँ प्लगइन्स के लिए मांग रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और इसको रन करा देंगे प्लगइन्स। इसको यस कर लेंगे और ये फाइल कॉपी हो गई है सारी हमारी। और फिर से हम इसको एंटर मार करके रिफ्रेश कर सकते हैं और यहाँ फिर हम अलाउ कर लेंगे। तो पेज ये पूरा हमारा जो है एनबीआर लॉगिन हो गया है। उसके बाद फंक्शन पैनल में जाएंगे और उसके बाद सिस्टम में जाएंगे, आप बैकअप एंड रिस्टोर में, और ये देख लेंगे हमारा जो इसका व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हार्डवेयर वर्जन और सारी चीज़ें, आपको फर्मवेयर वर्जन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एपीआई वर्जन ओके कर देंगे। इसको हमें बंद करना होगा। उसके बाद जाएंगे अपग्रेड पे और यहाँ पे जो आपने फर्मवेयर डाउनलोड किया है तो उसको ब्राउज कराना है उस फोल्डर्स में, जो आपने फर्मवेयर को डाउनलोड किया है तो उसे आपको ब्राउज कराना है यहीं पे और अपग्रेड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, जो हमारा यूजर नेम है एडमिन का, और एडमिन और जो पासवर्ड है वो डाल करके आप ओके कर लेंगे। और यहाँ पे अपलोडिंग हो रही फाइल, समय लगेगा थोड़ा, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी समय लग रहा है, ये देख टाइम आउट हो गया, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद ये रिफ्रेश होगा पेज, तो हमारा पेज रिफ्रेश होके फिर से इसको लॉगिन करेंगे हम यूजर नेम पासवर्ड डाल करके। लॉगिन हो गया है, फिर से जाएंगे फंक्शन पैनल में। और आप यहाँ पे जाएंगे बेसिक सेटिंग में, और यहाँ जाएंगे इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पे व्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो फर्मवेयर वर्जन है चेंज हो गया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।